आज जो है हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन की थर्ड एंड लास्ट टाइप जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ SP हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स हों टू गिव टू SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो ऑर्बिटल वो और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, दैट वुड बी दी SP हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह SP3 के अंदर एक एस और तीन पी, SP2 के अंदर एक एस और टू पी, इसी तरह SP के अंदर एक एस और एक पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देते हैं। अब हम अगर इनकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं, जिनकी मदद से आपको ज़्यादा क्लियर ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, वो एग्जांपल्स जिनसे हमने इसमें स्टडी करनी है, दैट इज़ नंबर वन इज़ बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2 एंड अदर वन इज इथाइन, जिसके अंदर जिसको हम C2H2 कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी जो है वो पहली एग्जांपल की तरफ, जो कि क्या है BeCl2। तो एग्जांपल नंबर वन इज बेरिलियम डाइक्लोराइड, जिसके अंदर बेरिलियम हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। अब बेरिलियम को अगर मैं लिखूं तो दिस इज Be, जिसका नंबर है 4। इसकी जब मैं ग्राउंड स्टेट लिखूंगा तो वो मेरे पास कुछ इस तरह आएगी कि 1s2, 2s2, 2px0, 2py0 एंड 2pzb0। सिमिलरली जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा बेरिलियम, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाएगा, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 1s2, 2s में 1 एक चला गया, 2px में एक आ गया तो 1, एंड 2py में 0 एंड 2pz में भी 0। नाउ दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म टू ऑर्बिटल्स विच वुड बी SP ऑर्बिटल। तो जब अब मैं इसकी बेरिलियम की हाइब्रिड स्टेट लिखूंगा तो इट इज 1s2, 2sp एंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंड सिमिलरली 2py में 0 और 2pz में 0। तो दीज आर द 2sp ऑर्बिटल्स जो कि किसी भी उसमें हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम जाएं तो जैसा कि आपको पता है कि वो वेस्पर थ्योरी के एक पोस्टुलेट में से था कि जो भी होता है आपका एटम, वो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं या जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहें। अब अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं जिसने हिस्सा लिया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो ये सर्कुलर है, और जो हिस्सा लिया है उसने हाइब्रिडाइजेशन के लिए पी ऑर्बिटल ने, तो दैट इज 2px। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। ये था 2s ऑफ बेरिलियम एटम, ये है 2px, जिन्होंने मिलके क्या किया है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए हैं। तो जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है आपको पता है कि उसकी एक लोब बड़ी और एक छोटी
होती है। तो जब ये दोनों मिलके आपस में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड ये स्मॉल लोब, और सिमिलरली समथिंग लाइक दिस एंड अ स्मॉल लोब। तो ये जो इनके दरमियान करेक्टरिस्टिक एंगल होता है वो 180 डिग्री का, एंड वी कॉल इट अ लीनियर स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, अब इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो फिर हम ये छोटी लोब समटाइम्स नहीं भी बनाते। तो ये तो था हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिड शेप ऑफ जो थी बेरिलियम एटम। अब बेरिलियम ने मिलना है क्लोरीन के दो एटम के साथ। क्लोरीन इज Cl इज 17। तो क्लोरीन को अगर मैं क्लोरीन का ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर जो है, या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो सी है आपके पास 3pz जो है वो आखिरी हाफ फिल्ड जो सा है ऑर्बिटल होगा आपके पास। चलें इसको मैं लिख ही देता हूँ, क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, पीछे कितने रह गए 5। तो 3px के अंदर 2, 3py के अंदर 2, 3p एंड 3pz के अंदर 1। तो ये जो zpz ऑर्बिटल है 3 क्लोरीन का, दैट विल बी टेकिंग पार्ट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। सही है, तो p ऑर्बिटल आपको पता है कि आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ बेरिलियम का विद क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम्स। तो ये आपके पास बेरिलियम था विद 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लोरीन का आखिरी ऑर्बिटल था 3pz, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। वही जेड वाला इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का होगा, दैट वुड बी द ओवरलैपिंग इट, दिस इज pz ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पर जो क्लोरीन होगी उसका भी आपके पास p ऑर्बिटल जो है, pz जो है वो ओवरलैप में हिस्सा ले रहा होगा। तो दिस इज़ 180 डिग्री। अब ये आपस में ओवरलैप हुए तो बॉन्ड बन जाएगा और आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा बेरिलियम क्लोराइड का, डाइक्लोराइड का, और ये 180 डिग्री जो है इसका एंगल होएगा। तो दिस इज़ हाउ 2sp ऑर्बिटल जो से हैं वो बेरिलियम क्लोराइड के अंदर आपके पास बेरिलियम डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाने में डिफाइन करते हैं। ये ओवरलैप जो है, दिस वुड बी कॉल्ड एज sp to p ओवरलैप, sp ऑफ बेरिलियम एंड p ऑफ क्लोरीन। तो ये ओवरलैप आप इसके स्ट्रक्चर को या कॉन्फ़िगरेशन को देख के आसानी से जो है वो बता सकते हैं। तो दिस वाज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बेरिलियम ऑफ आवर sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर BeCl2 की एग्जांपल थी ये, कि किस तरह बेरिलियम के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने क्लोरीन के 3pz के हाफ फील्ड को एकोमोडेट किया और बॉन्ड बनाया। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। गोइंग टू द नेक्स्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट वन, नंबर 2, विच इज इथाइन। इथाइन इज बेसिकली सी ट्रिपल बॉन्ड सी विद वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू वन कार्बन एटम। अब अगर कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन 6, जिसकी ग्राउंड स्टेट अगर हम लिखें तो दैट इज 1s2, 2s2, 2px जो है वो भी आपके पास 1, 2py जो है वो 1 एंड 2pz जो है वो 0। ये ग्राउंड स्टेट है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट हम लिखेंगे तो दैट इज़ 1s2, 2
2s, 2s में 1 रहेगा अब, क्योंकि एक इसने 2pz में दे दिया, 2px में 1, 2py में 1 एंड 2pz में 1। अब इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स हैं, या जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर 4, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, दैट विल बी दीज टू, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 1p। तो अब जब इसकी मैं हाइब्रिड स्टेट लिखूंगा C6 की, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और ये जो से 2PY और 2PZ हैं, दे विल नॉट टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड C6 जो है वो बन गया। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जाए, तो ये अगर कार्बन का न्यूक्लियस है, तो कार्बन के पास दो जोन से हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप एक बड़ी लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 180 डिग्री के एंगल पे इसके ओपोजिट होंगे। तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ये क्या है? sp ऑर्बिटल्स हैं। और इसकी जब मैं लिखता हूँ, तो दो इसके अंदर sp थे, एक इसके अंदर था 2PY और एक इसके अंदर था 2PZ, जिनके अंदर हाफ फिल्ड थे। तो अब हमें जो है वो दिखाने हैं, फर्दर दो जोन से हैं 2P, दिस इज, ये जो है 2PY होगा एंड दिस इज 2PZ। तो दिस इज द स्टेट ऑफ sp कार्बन एटम, के चार हैं टोटल, एक 2PY, 2PZ जो के हाफ फिल्ड थे, और दो sp के जोन से हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा? सिमिलरली कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनाना है, तो उस ट्रिपल बॉन्ड को बनाने के लिए हम जो है एक ओ कार्बन एटम की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। दिस इज कार्बन का न्यूक्लियस विद 1 sp, 2 sp। सिमिलरली दिस कार्बन एटम विद 1 sp एंड 2 sp, एंड नाउ आई विल ड्रॉ देयर रिमेनिंग p इलेक्ट्रॉन्स, p y ऑफ दिस, p z ऑफ दिस कार्बन एटम। अब क्या होगा कि जो ये वाला कार्बन, ये वाला एंड है आपके पास, उसके अंदर जो ESP था, ये भी sp है और ये भी sp और ये भी sp, दो डिफरेंट कार्बन एटम्स के। यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, एंड दिस ओवरलैप विल बी sp टू s ओवरलैप, sp फ्रॉम कार्बन एटम एंड s ऑफ हाइड्रोजन एटम, दे विल ओवरलैप एंड फॉर्म दिस बॉन्ड जो कि कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया। इसी तरह इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बना दिया। अब इसके दरमियान के ट्रिपल बॉन्डिंग हमने देखनी है कि वो कैसे बनेगा। ये जो sp हैं, दे विल अप्रोच ईच अदर। व्हेन दे विल अप्रोच ईच अदर, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक सीमा बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा इस तरह से, और आपके पास इधर जो है वो sp और हाइड्रोजन मौजूद है, और इधर भी क्या है, sp और हाइड्रोजन का एंगल का वो जो बॉन्ड है वो मौजूद है। और अब जब मैं इनके वो बनाऊंगा, तो ये इसका 2PY, दिस इज 2PZ, PY PZ। सिमिलरली इसका भी जो है वो 2PY और 2PZ जो है वो मौजूद है। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड जो कि इनके दरमियान बन गया, मतलब इनके दरमियान ये पहला बॉन्ड जो है वो अब बन चुका है। अब पीछे बचे हैं दो और बॉन्ड, वो कौन से होंगे? ये 2PZ जो है, दैट इज इन वन प्लेन, जो कि ये है, ये आपस में मिलेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो है एक और प्लेन के अंदर मौजूद हैं वाई वाले, ये आपस में मिलेंगे और एक और बॉन्ड बनेगा, जो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड
और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और इस तरीके से जो है आपके पास इथाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसको अब मैं नेक्स्ट पेज पे जब ड्रॉ करूँगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी चेंज द कलर। दिस इज द वन न्यूक्लियस, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द अदर न्यूक्लियस, दिस इज द हाइड्रोजन विद sp, एक ये दूसरे, ये दो sp ने मिलके सिग्मा बना लिया, और ये वाला जो sp था ये मिलेगा इस हाइड्रोजन के साथ। और जो py हमने पीछे डायग्राम में देखे, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यू कैन सी कि ये pz और pz एक प्लेन में थे, ये मिले, और py और py एक प्लेन में थे, ये मिले, और इन्होंने पाई बॉन्ड्स बनाए। तो जो पाई बॉन्ड होंगे वो इस तरह से एग्जिस्ट आपके पास करेंगे। तो ये जो उनसे जिनको मैंने अब शेड किया, दीज आर द टू पाई बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड। अगर ये दोनों हैं तो दिस इज फ्रॉम 2py ऑफ दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम एंड मेड वन पाई बॉन्ड। और अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो दिस वुड बी द 2pz, जो कि इस तरह आपस में एक प्लेन में मिले और इन्होंने जो है वो बॉन्ड बनाया, सेकेंड वाला पाई बॉन्ड। तो सिम इस तरह से जो है कार्बन का स्ट्रक्चर जो है इथाइन में एग्जिस्ट करता है, कि कार्बन विद हाइड्रोजन, दिस कार्बन विद हाइड्रोजन, वन सिग्मा बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp टू sp बॉन्ड, और टू पाई बॉन्ड्स विद द ओवरलैपिंग ऑफ 2pz एंड 2py ऑर्बिटल। तो अब अगर मैं इसके बॉन्ड लिखूं कार्बन के, तो ईच कार्बन जो है इसके चार बॉन्ड जो हैं इनमें से एक क्या है जिसमें sp ओवरलैप है s के साथ हाइड्रोजन के, दूसरे के अंदर sp ऑफ कार्बन इज ओवरलैपिंग, दिस इज द साइन ऑफ ओवरलैपिंग टू दी sp ऑफ कार्बन, और थर्ड बॉन्ड क्या था कि 2py ऑफ वन कार्बन जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था इज ओवरलैपिंग विद 2py ऑफ द अदर कार्बन एटम, एंड द फोर्थ बॉन्ड इज 2pz जिसने हिस्सा नहीं लिया था हाइब्रिडाइजेशन में विल मेक बॉन्ड विद द 2pz ऑफ द सेकेंड कार्बन एटम, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन इथाइन एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास थी sp हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन। इसकी अगर आप इस डायग्राम की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इसके अंदर आप देखें कि ये जो ब्लू कलर है दैट इज sp ऑर्बिटल्स, इस कार्बन के दो, वन एंड टू, सिमिलरली इस कार्बन के भी दो, वन एंड टू, एक साइड वाले जो हैं इस हाइड्रोजन के साथ मिल गए जो कि sp विद s फ्रॉम हाइड्रोजन ओवरलैप था, ये sp ओवरलैप जो था वो आपके सामने ये है कि दोनों कार्बन के sp और sp मिले, ये दो बॉन्ड क्लियर हो गए, sp बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन जो थी या जो sp के वो थे वो इस्तेमाल हो गए। पीछे बचे आपके पास pz और py, ये ग्रीन जो शो कर रहा है दैट इज py। अब ये py यहाँ पे भी ग्रीन और यहाँ पे भी ग्रीन, ये दोनों आपस में मिलेंगे एंड एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, दिस ग्रीन, ये एक पाई बॉन्ड बनाया। सिमिलरली ये ऑरेंज वालों को अगर आप देखें तो दिस इज pz, ये pz आपस में एक प्लेन में है, दिस इज द प्लेन, ये आपस में मिलेंगे और एक नया बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो इस तरह जो है आपके पास इथाइन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और टू पाई बॉन्ड्स और विच मेक्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी अबाउट दी sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, और vbt जो हमने ओवरलैपिंग पढ़ी थी वो भी ऑफिशियली क्लोज हो गई। तो अब यहाँ तक जो है हम अपने इस चैप्टर में दो मेजर थ्योरीज जो सी हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, वेस्पर थ्योरी जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, और vbt जिसके अंदर हमने ओवरलैपिंग पढ़ी, और ओवरलैपिंग के बाद जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो था हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हमने डिटेल में जो है वो
डिफरेंट टाइप्स के थ्रू स्टडी किया। अब हमारी आखिरी जो रह गई है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारा इससे अगला टॉपिक होगा और फिर हम चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट जो से हैं अबाउट ओवरलैपिंग शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, देयर एनर्जीज एंड एवरीथिंग इज क्लियर।